हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आटे के नूडल आपको बना के दिखाऊंगी। ये मैंने आटा लिया है, आटा मैंने गूंद के रखा है, मैंने बड़े बड़े बर्तन में लिए ओढ़ के रखा है, तो मैंने थोड़ा वहाँ से ले लिया है। इसको मैं 4-5 रोटी बनाऊंगी, नूडल बना के आपको दिखाऊंगी। चलो इसको बेल लेते हैं अच्छी तरह से। पूरी रोटी इसी तरह मैं बेल लूंगी। नूडल बनाने के लिए मैंने पानी गर्म कर लिया है, पानी अच्छे तरह बेल हो गया है। चलो मैंने जो रोटी बनाई थी उसको हम इसमें डाल देंगे। चलो ये रोटी डाल दिया मैंने इधर, अच्छा सा कर लेंगे इसको सीधा। इसको थोड़ी देर पकने देंगे। रोटी मैं पानी में पका लूंगी, अच्छी तरह से पक जाएगी, तब बाद में आप लोगों को मिलती हूँ। दोस्तों मैंने इसको ढक्कन लगा के छोड़ा था, अब आप लोग देख सकते हो ये फूल गया है अच्छी तरह से। इसको अच्छी तरह से पकाना है उन्हें, जैसे नूडल को पकाते हैं, जैसे नूडल को बॉईल कर लेते हैं। चलो अब इसको मैं निकाल देती हूँ। चलो मैं इसको निकाल लेती हूँ। इसको हम निकाल देंगे। चलो दोस्तों इसको कट कर लेते हैं, पतले पतले पीस पीस आप अपने हिसाब से कट कर सकते हो। दोस्तों तेल गरम हो गया है, अब मैं इसमें सब्जी डाल दूंगी। सब्जी मैंने पहले कट करके रखी है, आप कोई भी सब्जी डाल सकते हो इसमें। चलो इसको मिक्स कर लेते हैं। चलो दोस्तों ये पक गया होगा, चेक कर लेते हैं। चलो इसमें मैं थोड़ा सॉल्ट डाल देती हूँ। चलो इसमें थोड़ा सोया सॉस डाल देते हैं। इसमें टमाटर केचप डाल देते हैं। इसमें हम चिल्ली सॉस डाल लेते, थोड़ा चिल्ली सॉस डाल लेंगे, ये तीखी होती है, थोड़ा ही डालेंगे। आप जितना खाते हो। चलो इसको थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा इसको पकने देंगे थोड़ी देर। चलो मैंने जो रोटी का पास्ता कट करके रखा था उसको हम डाल लेंगे थोड़ा थोड़ा करके। इस तरह से थोड़ा थोड़ा हम डाल लेंगे इसको।
इस तरह से सब डालूंगी मैं। चलो दोस्तों चेक कर लेते हैं, ये अच्छा सा पक गया है। अभी इसको हम मिक्स कर लेंगे। चलो इसमें थोड़ा धनिया डाल लेते हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे थोड़ा। ये बनके हमारा अच्छा सा रेडी हो गया है। चलो प्लेट में सजा देते हैं। चलो मैं प्लेट में रख दूंगी। दोस्तों मैं भी ये फर्स्ट टाइम बना रही हूँ दोस्तों, आटा का नूडल मैं पहली बार बना रही हूँ दोस्तों। आप भी जरूर ट्राई करना दोस्तों। आप लोग देख सकते हो नूडल जैसा ही है, कटिंग आप कैसे भी कर सकते हो और पतला भी कर सकते हो। मैंने इसको थोड़ा मोटा मोटा ही रखा है, खाने में थोड़ा अच्छा लगेगा। आप लोग जरूर ट्राई करना मेरी बनाई हुई रेसिपी, आप लोगों कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और बहुत हेल्थी हैं दोस्तों, आटे की बनी है इसीलिए बहुत हेल्थी हैं। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।